झांसी में गुलाम बोस्खा पार्क के पास एक मकान में एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी कर कार्यवाही की। इस कार्यवाही को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल छापेमार कार्यवाही कर रही टीमों की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। टीमों के साथ पुलिस बल भी मौजूद है। सूत्रों का कहना है कि यहां रहने वाले मुफ्ती खालिद ऑनलाइन दिनों तमिल की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन जांच क्यों की जा रही है इसका भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। नेशन मिरर के लिए झांसी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।